तेलंगाना जनसमिति पार्टी के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने दिल्ली शराब स्कैम मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता को ईडी के नोटिस पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि कविता की गिरफ्तारी तेलंगाना का मसला नहीं है और उन्होंने दावा किया कि बीआरएस कायदीन इसे रियासती मसले के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये लोग कविता का बात आ गए सामने, सब लोग बोलने लगे कल से बीआरएस के लीडर कविता तो के लिए तेलंगाना के पूरे हम मिलेंगे काम करेंगे, ये हमला के भी के कविता के ऊपर नहीं, ये तो तेलंगाना के ऊपर है बोल के कल से बात करने लगे। इसके बारे में हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि तेलंगाना में लिखकर एक बहुत ही इसका तो बुरी आदत है, इसके वजह से बहुत सारे औरत मार खाते हैं, हमेशा हर दिन उसके घर में मार खाते हैं मरद लोगों से। तो ये माहौल में हम इतना कहना चाहते हैं कि हम मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है, तो ये माहौल में इसको बड़ा इश्यू बना के एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ बीआरएस एक कैंपेन चला रहे, लेकिन माहौल कुछ और है। यहाँ की गरीबी, यहाँ की बेरोजगारी, ये है असल इश्यूज, ये है मसाइल, ये है। इस मसाइल को कोई नज़रअंदाज करने के लिए कोशिश हो रहा है, तो कल सब मिलकर ये माहौल में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, एक अच्छा सा डेमोक्रेटिक तेलंगाना हासिल करने के लिए हम सब लोग मिलकर एक प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिश हम कर सकते हैं वो पूरा कोशिश हमारे तरफ से होंगे। तो ये है हमारा प्रोग्राम, कल का प्रोग्राम रहेंगे। तो मिलियन मार्च होकर 12 साल होने के दिन हमारा प्रोग्राम तेलंगाना बचाओ के नाम से सेमिनार रहेंगे, सब लोग आइए इसमें शामिल हो जाइए और ये बहस में आप भी शामिल हो जाइए, यही हम चाहते हैं। जैसा तेलंगाना मिलियन मार्च को हम अमल में ले आने के लिए उसको सब लोग मिलकर जितना भी अगर पुलिस बैरिकेड्स लगाने के बावजूद हम सब लोग टैंक बंड के ऊपर पहुँचे, वही स्पिरिट आगे हम दिखाएंगे और वही स्पिरिट से हम एक अच्छा सा तेलंगाना के लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, मिलकर काम करेंगे।